सोनभद्र से अरविंद तिवारी पत्रकार की रिपोर्ट। अध्यापकों के लापरवाही, कक्षा 2 और कक्षा 3 के छात्रों को दिया गया एक ही पेपर। देश के भविष्य कहे जाने वाले नौनिहालों की शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर सरकार भले ही करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही हो, लेकिन विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण इन नौनिहालों की शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी मिलने वाली सुविधाओं पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसा ही मामला सोनभद्र में देखने को मिला, जहां एक तरफ 24 मार्च से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हुई, वहीं दूसरी तरफ 24 मार्च से ही प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की परीक्षाएं भी शुरू हो गई हैं। सबसे बड़ा मजाक देखने को यह मिला कि एक ही प्रश्न पत्र कक्षा 2 के छात्र और कक्षा 3 के छात्रों को दे दिया गया। इतना ही नहीं, कक्षा 8 में गणित विषय के अलग अलग प्रश्न पत्र अलग अलग विद्यालयों में वितरित किए गए। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि यदि जनपद एक है और शिक्षा व्यवस्था एक है, तो छात्रों को अलग अलग प्रश्न पत्र क्यों दिए गए और अलग अलग कक्षाओं के छात्रों को एक ही प्रश्न पत्र कैसे दिए गए। हालांकि इस संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारी का कहना है कि कम समय में परीक्षा कराए जाने और अध्यापकों की कमी होने के वजह से इस तरह की समस्याएं देखने को मिली है, लेकिन यह समस्या एक दो विद्यालयों पर हो सकती है, तभी इसकी शिकायत उनके पास तक नहीं पहुंची। वैसे इस मामले की जांच कराकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सोनभद्र में एक तरफ जहां 24 मार्च से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हुई, वहीं 24 मार्च से ही प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की परीक्षाएं भी शुरू हो गई। एक तरफ बोर्ड परीक्षा को संपन्न कराए जाने के लिए प्रशासन व शिक्षा विभाग जहां पूरी तरह चाक चौबंद व्यवस्था के साथ परीक्षा कराने में जुटा हुआ है, वहीं प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कराए जाने वाली परीक्षाओं में घोर लापरवाही देखने को मिल रही है। दरअसल कक्षा 2 और कक्षा 3 के छात्रों को इंग्लिश विषय का एक ही पेपर दे दिया गया। इन दोनों पेपरों में केवल कक्षा 2 और कक्षा 3 लिखे होने का अंतर देखने को मिला, जबकि कक्षा 8 में मैथ के पेपर में अलग अलग प्रश्न पत्र अलग अलग विद्यालयों पर देखने को मिला। इतना ही नहीं, ऐसे समय में जब अध्यापकों की कमी है और बोर्ड के साथ कक्षा 1 से 8 तक की परीक्षा भी कराई जानी है, ऐसे समय में अध्यापकों की ट्रेनिंग कराई जा रही है, जिससे अध्यापकों की और भी समस्या हो गई। यही कारण है कि कई क्लास के बच्चों को एक ही कक्षा में जमीन पर बैठकर परीक्षा दिलाई जा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि क्या परीक्षा के मानकों को पूरा किया जा रहा है या परीक्षा कराए जाने के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। हालांकि इस संबंध में जब बेसिक शिक्षा अधिकारी हरिवंश कुमार से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि एक तरफ बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की भी परीक्षाएं चल रही हैं। ऐसे में अध्यापकों की बेहद कमी है और देर रात तक विद्यालयों पर प्रश्न पत्र पहुँच पाए। इस वजह से संभव है कि कुछ एक विद्यालयों पर इस तरह की समस्याएं देखने को मिली हो, लेकिन ज्यादातर विद्यालयों पर ऐसी समस्याएं नहीं है, क्योंकि ऐसी समस्या होती तो इसकी जानकारी मेरे पास तक अवश्य पहुँच गई। हाल फिलहाल उनके द्वारा यह आश्वासन दिया गया, इस मामले की जांच कराकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, बोर्ड परीक्षा के साथ प्राथमिक स्कूलों की भी परीक्षा ली जा रही है, लेकिन जितनी गंभीरता बोर्ड परीक्षाओं में देखा जा रहा है आप लोगों द्वारा, उतनी जो है लापरवाही आपसे ही विभाग में यहाँ पे प्राथमिक में देखी जा रही है। एक ही पेपर जो है दो कक्षाओं में चल रहा है, आप कई तरह के पेपर रन कर रहे हैं, बच्चे जमीन पे बैठ के परीक्षा दे रहे हैं, क्या कहेंगे अपने विभाग के बारे में? जैसा कि सभी अवगत हैं कि 24 तारीख से यहाँ पर परीक्षा है, बोर्ड की भी शुरू हुई है और लगभग 1400 टीचर हमारे उसमें भी लगे हैं। जिले में अध्यापकों की कमी है और पेपर छपवाने के लिए, उसको पैक कराने के लिए समय भी थोड़ा कम मिला था। कहीं कहीं डिस्ट्रीब्यूशन की आई है, संख्यात्मक पैकेट इधर से उधर, क्योंकि रात में वितरण हुआ था तो ये प्रॉब्लम्स कुछ आई। अभी हमें फर्दर हमारे जो 2 दिवस की परीक्षाएं हैं, हमें इंश्योर कर रहे हैं कि कहीं पर भी किसी तरह की डिस्ट्रीब्यूशन ना रह जाए। जहाँ टीचर्स अगर कहीं कम है तो हम ये देखें कि परीक्षाएं हमारे अच्छे संचालित हैं। अभी तक का कोई फीडबैक टीचर से इस तरह नहीं मिला कि कक्षा 2 और 3 का पेपर समान है। हो सकता है कि एक पर्टिकुलर स्थान पर ऐसा हो गया हो कि 2 वाले पर ही कक्षा 3 लग गया हो, और सीरियसली चूंकि इसकी परीक्षाएं खत्म भी हो चुकी हैं, यदि ऐसा हुआ होता बल्क में तो हमारे पास सूचना अवश्य आ जाती है। इस तरह की सूचना अभी तक नहीं प्राप्त हुई थी, लेकिन फर्दर जैसा कि आपने कहा है मैं उसको फिर से बता दूँगा। देखिए, जिस तरह से नहीं लगता कि मतलब ये परीक्षा ही पूरा मजाक बन के रह गया, और यही कारण है कि आपकी संख्या भले ही दिख रही हो प्राथमिक स्कूलों में, लेकिन अभी गरीब तबके का कोई अच्छा बच्चा नहीं आ पा रहा है। नहीं, अभी जो हमारे जो विद्यालयों में काफी कुछ परिवर्तन भी आए हैं, और संख्या पिछले वर्ष से हमारी लगभग 20,000 इस वर्ष संख्या हमने बढ़ गई है, और ऐसा नहीं है, बहुत ही ज्यादा निगेटिव होने की आवश्यकता नहीं है। हम अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार करते रहेंगे। टीचर्स भी हमारे सेंसिटिव हो चुके हैं, काफी कुछ कार्य कर रहे हैं, परंतु कुछ एक ऐसे होते हैं कि जिनके ऊपर कार्रवाई करने का भी असर नहीं होता, उनके ऊपर हम लगातार निगाह रखते हैं और कोशिश ये करेंगे उन्हें भी मुख्यधारा में लाते हुए और समाज के भलाई के लिए उनको जोड़ सकें। अध्यापक, देखा जा रहा है कि जो बच्चे हैं यहाँ परीक्षा आज दे रहे हैं,
व्यवस्था भी देखी जाए, टीचरों की कमी भी है, बच्चे जमीन पे भी बैठे हुए परीक्षा दे रहे हैं। सर चूंकि आज परीक्षा है तो बच्चे पूरे स्ट्रेंथ में लगभग 10-20 बच्चों को छोड़कर हमारे यहाँ छात्र संख्या 167 की है। UPS में यहाँ कंपोजिट विद्यालय है और PS में 169 बच्चों में 139 बच्चे उपस्थित हुए हैं। तो जिसके चलते सर आज बोर्ड परीक्षाएं भी चल रही हैं और यहाँ मिडिल में हम एक सहायक और एक हेडमास्टर हैं, हमारे सहायक की भी ड्यूटी लगा दी गई है और अकेले मुझे पेपर लेना है। तो सर इसमें थोड़ी सी समस्याएं हो रही हैं कि अब अकेले तीनों प्लस 8 बोर्ड परीक्षा और तीनों क्लास में देखना और बच्चों को मैनेज करना थोड़ा सा दिक्कत तो हो रही है सर। ये भी देखा जा रहा है कि जो बच्चे हैं वे जमीन पे बैठ के परीक्षा दे रहे हैं। सर बच्चों के स्ट्रेंथ के कारण थोड़ा सा सर जब बेंचेज एक क्लास में कम पड़ेंगे तो उसके लिए भाई चटाई और दरी की व्यवस्था और टाट पट्टी की व्यवस्था करके पेपर ली जा रही है सर। ऐसा क्यों, मतलब सभी के लिए जो बेंच बनाया गया था बावजूद नहीं, बेंच तो है सर, बेंच तो है लेकिन क्लास बहुत दूर है, पूरे हमारे फील्ड में है, वहाँ दूसरे क्लासों में है, तो एक अध्यापक के लिए संभव नहीं है कि हम यहाँ पे भी तीन कमरे देखें और फिर फील्ड के दूसरे छोर पे जाकर देखें। मतलब टीचरों की कमी की वजह जी सर ये थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। जी सर अगर हमारा स्टाफ पूरा रहता सर तो ये समस्या ना होती। पेपर क्या थी, पेपर कई जगहों पे शिकायत मिली थी कि पेपर सर पेपर थोड़े से क्लास 6 के हिंदी के कम थे तो जिसको हम लोगों ने उसको हाथ से लिख के मैनेज किया।